गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ब्लॉग। आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ लॉरियल के कास्टिंग कलर क्रीम का रिव्यू शेयर करूंगी। ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे कुछ ऐसी पैकेजिंग में रिसीव हुआ था, आप देख सकते हैं। इसकी जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो मैंने पहले ही अपने चैनल पर शेयर कर दी है। मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, तो आप इसको डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट पे। तो ये है लॉरियल का कास्टिंग क्रीम ग्लॉस हेयर कलर। इस प्रोडक्ट में आपको अमोनिया नहीं मिलेगा, क्योंकि अमोनिया जो है वो हम लोगों के हेयर को डैमेज करता है, इसीलिए इस प्रोडक्ट में आपको अमोनिया नहीं मिलेगा। अगर प्राइस की बात की जाए तो पहले इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 630 रुपीस था, बट करेंटली इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 550 रुपीस है। अगर आप इसको ऑनलाइन कहीं परचेज करते हैं पर्पल से या नाइका से, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट इस प्रोडक्ट पे हमेशा मिल ही जाएगा। मुझे ये जो प्रोडक्ट है ये 450 रुपीस का मिला है। अगर प्रोडक्ट पैकेजिंग की बात की जाए तो ये कुछ ऐसी कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी सिक्योरली पैक होके आता है और पैकेजिंग भी काफ़ी क्यूट है इसकी। इसका जो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग है ये काफ़ी अच्छी है, और जो भी इसकी डिटेल्स हैं सब इसकी पैकेजिंग पे ही आपको मिल जाएंगी देखने को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उसको क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके पास वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपके लिए वीडियो यूजफुल हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। इसकी पैकेजिंग पे ही इसके इंग्रेडिएंट्स, इसकी शेल्फ लाइफ सब कुछ मेंशन है। इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैं उसकी एक पिक इंसर्ट कर दूंगी वीडियो में, ताकि अगर आप इंग्रेडिएंट्स इसके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसकी पैकेजिंग पे इसके कलरेंट, इसके डेवलपर में जो भी इंग्रेडिएंट्स है सब कुछ अलग अलग लिखे हुए हैं, तो आप उस पिक में चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका जो शेड मेरे पास है वो है डार्केस्ट ब्राउन। अगर आप कोई भी लॉरियल का कलर लेना चाहते हैं और आप दो कलर्स के बीच में कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको लाइटर शेड लेना चाहिए। और अगर आपके जो हेयर हैं वो नेचुरल ब्लैक से डार्केस्ट ब्राउन तक हैं, तो आपको ये डार्केस्ट ब्राउन वाला ही हेयर कलर यूज करना चाहिए। इसकी शेल्फ लाइफ है वो 2.5 ईयर्स है, तो काफी अच्छी शेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है। ये जो प्रोडक्ट है आप दो बार तक आराम से इसको यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा लंबे बाल हैं तो एक ही बार के लिए होगा, वरना आप इसको दो बार तक आराम से यूज कर सकते हैं। अभी इसके अंदर आपको जो डेवलपर और कलरेंट मिल जाता है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो उससे पहले मैं रीड आउट कर देती हूँ इसकी पैकेजिंग पे क्या क्या लिखा है, ये प्रोडक्ट क्या क्या क्लेम करता है, सब कुछ मैं रीड आउट करके आपको बता देती हूँ। जैसा कि इसकी पैकेजिंग पे लिखा हुआ है, ये कलर आपको रिच और ग्लॉसी शाइन देता है, और ये शिमरिंग कलर है, और ये ऑप्टिमल ग्रे कवरेज भी देता है। ये जो कलर है ये 28 शैम्पूज तक आपके हेयर्स पे रहता है, ऐसा ये प्रोडक्ट क्लेम करता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो नॉन ड्रिप फॉर्मूला है, मतलब जब आप इसको अपने हेयर्स पे लगाएंगे तो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ड्रिप नहीं करेगा, मतलब ज़्यादा गंदगी नहीं होगी, आपके फोरहेड पे नहीं आएगा प्रोडक्ट, तो काफ़ी क्लीन तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप इसको काफ़ी क्लीन तरीके से और ईजी वे में यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। ये जो पैकेजिंग है इसके अंदर आपको एक ट्यूब क्रीम कलरेंट मिलता है, जिसकी क्वांटिटी है 47.5 ग्राम। एक बोतल आपको डेवलपर मिलती है जिसकी क्वांटिटी है 72 ml। एक बोतल आपको न्यू ग्लॉस ट्रीटमेंट कंडीशनर मिलता है जिसकी क्वांटिटी है 40 ग्राम। आपको एक पेयर प्रोफेशनल क्वालिटी ग्लव्स मिलते हैं, और एक इंस्ट्रक्शन लीफलेट भी मिलती है इस पैकेजिंग के अंदर। तो मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो पैक मिल जाते हैं, तो मैं वन बाय वन आपको दिखा देती हूँ प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर आपको ये लॉरियल का कास्टिंग क्रीम ग्लॉस, एक डेवलपर क्रीम मिल जाता है, आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है। इसमें आपको इतनी क्वांटिटी मिल जाती है प्रोडक्ट की, आप देख सकते हैं। बाकी ये जो बॉटल है ये एम्प्टी है। तो ये है डेवलपर। उसके बाद आते हैं क्रीम कलरेंट पे। तो कलरेंट के लिए आपको कुछ ऐसा ट्यूब मिल जाता है, तो आपको इन दोनों को ऐसे यूज करना है कि इसका जो आपको रेशियो रखना है वो 1:1.5 का रखना है। आपको 1 के रेशियो में ये कलरेंट क्रीम यूज करनी है, 1.5 के रेशियो में ये डेवलपर यूज करना है, तो ऐसे इसको यूज करना है। इसकी पैकेजिंग पे ऐसा ही लिखा हुआ है। इसके साथ में आपको ये न्यू ग्लॉस ट्रीटमेंट कंडीशनर भी मिल जाता है। जब आप अपना हेयर कलर कर लें उसके बाद आप इस कंडीशनर को यूज कर सकते हैं अपने हेयर्स पे, ताकि जो भी आपके थोड़े बहुत हेयर्स जो हैं वो डैमेज हुए हैं उसके बाद इससे रिपेयर हो जाए। हम लोगों के जो हेयर फाइबर्स हैं उनको शाइनी बनाता है, और हम लोगों के जो हेयर्स हैं वो 4 times ज़्यादा ग्लॉसियर लगते हैं। बेसिकली इस कंडीशनर का काम ये होता है, जब आप अपना हेयर कलर कर लें उसके बाद आपको इसको यूज़ करना है कंडीशनर को।
इसके साथ में आपको एक ये लीफलेट और ग्लव्स भी मिल जाते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ऐसी कुछ लीफलेट है और इसके अंदर आपको ये ग्लव्स मिल जाएंगे। नॉर्मल जैसे बाकी है कलर्स के साथ मिलते हैं, वैसे ही ग्लव्स इसके साथ भी मिलते हैं, प्लस ये लीफलेट मिल जाएगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस लीफलेट को पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे यूज करना है। तो ये तो हो गया इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग, इसकी शेल्फ लाइफ और इसमें आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिल जाते हैं इस हेयर कलर में। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये हेयर कलर कैसा है, जितना इसके बारे में बताया जाता है ये एक्चुअली में वैसा है कि नहीं है, और मेरा पर्सनल रिव्यू क्या है इस प्रोडक्ट पे। तो अगर मेरे रिव्यू की बात की जाए तो जैसा कि इस प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट है ये 28 शैम्पूस तक आपके बालों पे रहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके हेयर्स पे नहीं रहता है 28 शैम्पूस तक, आपको 15 डेज के बाद ही वाइट हेयर्स फिर से दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको पूरे मंथ अपने हेयर्स ब्लैक रखने हैं तो आपको मंथ में 2 बार इसको यूज करना होगा, तभी पूरे मंथ तक रहेगा आपके हेयर्स पे, वरना 15 डेज के बाद थोड़े थोड़े ग्रे हेयर्स फिर से दिखने लग जाएंगे आपको। और जैसा कि ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये आपके हेयर्स को ग्लॉसी बनाता है प्लस शाइनी बनाता है, तो हाँ ये एक्चुअली में प्रोडक्ट ऐसा करता है। जब आप इस कलर को यूज करेंगे उसके बाद जब आप इसका जो कंडीशनर इन्होंने दे रखा है इसको यूज करेंगे तो आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत ही शाइनी और ग्लॉसी लगते हैं। और ये प्रोडक्ट ये भी क्लेम करता है कि ये ऑप्टिमल ग्रे कवरेज भी देता है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी अच्छे से आपके जो ग्रे हेयर्स हैं उनको कवर अप कर देता है, और बहुत ही अच्छा सा एक कलर आता है जब आप इस कलर को यूज़ करेंगे, तो काफ़ी अच्छे से हेयर कलर जो है वो लग भी जाता है। बहुत ही इजी है इसको अप्लाई करना, और जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि इसका जो फॉर्मूला है वो नॉन ड्रिप फॉर्मूला है, तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो कोई भी जो हेयर कलर है वो आपके फोरहेड पे नहीं आएगा, आपकी नेक पे नहीं आएगा, तो बहुत ही क्लीन तरीके से आप हेयर कलर का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही इजी है। अगर आप पहली बार भी इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको आराम से यूज़ कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसको यूज़ करने में। और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, बट प्राइस मेरे अकॉर्डिंग इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, 550 रुपीज़, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप कोई अच्छा कलर यूज़ करने की सोच रहे हैं, अगर अभी तक आप कलर नहीं यूज़ कर रहे थे और आप कोई अच्छा कलर आप ढूंढ रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आपको कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जब आप इसको एक बार यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप दोबारा से और कोई कलर नहीं यूज़ करेंगे। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता होगा कि कुछ लोगों के लिए ये प्रोडक्ट वर्क नहीं किया है, बट ज़्यादातर टाइम ये प्रोडक्ट है ये वर्क करता है। तो मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट पे यही है कि ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसको एक ट्राई देना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली एक ट्राई दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपके हेयर्स को हार्म कर रहे हों, प्लस इस हेयर कलर में अमोनिया नहीं है, तो आपके जो हेयर्स हैं वो उसमें कोई भी डैमेज नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल ये जो कलर है ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसको ट्राई देना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ट्राई दे सकते हैं। तो ये था मेरा आज का रिव्यू वीडियो, आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।